गुजरात एटीएस अने कोस्ट गार्डे जखोना 35 नॉटिकल माइल दूर दरियामांथी कब्जे करेल 400 करोड़ना हेरोइन साथे बोटमां सवार 6 पाकिस्तानीओની धरपकड़ करी देशनी युवा पेढ़ीने खोखली बनावाना प्रतिष्ठानना कावतराने पर्दाफाश कर्यो हतो। पाकिस्तानथी दरियाई मांगे गुजरातनी दरियाई सीमामां घुसाड़वामां आवेला करोड़ो रूपियानुं हेरोइनने गुजरातमां डिलिवरी करवानी हती। जो कि आ डिलिवरी गुजरात आव्या बाद अपायला हरी एक कोडवर बोले त्यारे सामेथी हरी बेनो रिप्लाय आपे तो ज डिलिवरी आपवा लेवानी हती। गुजरात एटीएसे ड्रग्स नी डिलिवरी लेनार माफियानी शोधखोळ हाथ धरीने एटीएस नी प्राथमिक पूछपरछ में आ ड्रग्स गुजरात थी पंजाब ना माफियाओं ने डिलिवरी करवानुं बहार आव्युं छे। मैं ये बोलना चाहूंगा कि एटीएस एंड कोस्ट गार्ड दोनों मिलके ये वाला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था जिसमें मेरे दो जहाज और दो काबिल ऑफिसर जिन्होंने ये अंजाम लाया है और एटीएस का पूरा सपोर्ट था। मैं इस एटीएस के बगैर ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। सर जितने आरोपी पकड़े हैं उनके नाम भी थोड़ा बता दीजिए। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है, जैसे ही आपको मिल जाएगा। और एटीएस 6 आदमी हैं टोटल मिला के। सर कितनी मात्रा में हेरोइन पकड़ा गया है? आत्मा 77 पैकेट्स अभी तक लिए हैं और उनका मेजरमेंट चालू है। जैसे ही मेजरमेंट पता लगेगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके बाद ही पता चल पाएगा। सर ये जो ड्रग्स जो जब्त करने में आया है तो पेट्रोलिंग किस तरह से कोस्ट गार्ड द्वारा करने वाली है? कोस्ट गार्ड का पेट्रोलिंग हमेशा रहता है 24 आवर्स और सातों दिन, हमेशा 365 डेज हम पेट्रोल बॉर्डर पर करते हैं। और ऐसी वाली जो चीज़ होती है ये कई बार इंटेलिजेंस वगैरह हो, जैसे एटीएस का इनपुट था वो था, इसमें स्पेशल ऑपरेशन हमने किया एटीएस के साथ मिलकर और ये सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन में कितना समय लग गया था सर? ऑपरेशन ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली इसके लिए गए हों। ऑपरेशन नॉर्मली कोस्ट गार्ड का पेट्रोल जैसा रहता है हमेशा ही रहता है, और इस बार ये था कि इस बार एटीएस के साथ मिलजुल के हमने पहले भी किया है और ये वाला एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन हमारे नाम पर हुआ। ड्रग्स का पहला इनपुट एटीएस को मिला है कोस्ट गार्ड में? एटीएस के पास था। पेट्रोलिंग जैसे मैंने बोला, हम काफ़ी देर से पेट्रोलिंग कर ही रहे थे, नॉर्मल पेट्रोलिंग तो रहती है हमारी, इस बार स्पेशल फॉर एटीएस के लिए हमने स्पेशल ऑपरेशन के साथ मिलकर किया। वॉच तो हमारा बॉर्डर पे रहता ही, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली इसी की बोट के लिए था। वॉट वो एटीएस के पास इनकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी रहेगी और इन्वेस्टिगेशन जैसे दौरान अभी चल ही रहा है तो इस चीज़ पे बोलना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो। ओके ओके, थैंक यू।